प्रोसेस में होते हैं। दोस्तों हम सबको पता है कि हम एक ही पृथ्वी पर एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हमारा भारत देश विविध जाति धर्मों से भरा हुआ देश है। विविध जाति धर्मों के लोग अपने भारत देश में एक साथ रहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन क्या सचमुच हमें मानवतावादी दृष्टिकोण है? हम एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखते हैं? नहीं। हमारे पड़ोस में भी जो भी हमारे पड़ोसी होते हैं उनसे हम दुश्मनी रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बात है ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जो आज हमें नहीं दिखाई देती। आज का हमारा यह जो पद्य है, संत ठाकुर जी ने लिखा हुआ पद्य, हम सब राही एक राह के, हम सब का एक ही रास्ता है। क्या? हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है, हमें हमारा जीवन जीना है, हमें आगे जाना है। लेकिन यहाँ पर संत ठाकुर जी कहते हैं कि हमें आगे जाते समय किसी को दुख नहीं देना है, हमें मानवतावादी दृष्टिकोण सामने रखते हुए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें पराया कोई भी नहीं लगना चाहिए, हम सब अपने हैं, ऐसा ही भाव हमारे मन में व्यतीत होना चाहिए। तो चलो इस पद्य के माध्यम से दोस्तों हम देखते हैं, देखिए पद्य, हम सब राही एक राह के कोई नहीं बिराना, हम सब राही एक राह के कोई नहीं बिराना, जाना हमने सबर प्यार का कोई भेद न जाना बन दे, जाना हमने सबर प्यार का कोई भेद न जाना बन दे, एक हमारी धरती प्यारे एक हमारा आसमान है, अपने तन का रतन पसीना अपनी मेहनत का जहान है, अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बन दे, जाना हमने सबर प्यार का कोई भेद न जाना बन दे, अपनी नजरे सबकी नजरे अपनी वाणी दिल की वाणी, हम दुनिया के दर्द दीवाने अपनी इतनी राम कहानी, बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम भी ताना बन दे, जाना हमने सबर प्यार का कोई भेद न जाना बन दे, अपना कौल करार यही अपना कौल करार यही है, हर सपना रत नारा होगा, काली रात बीत जाएगी, काली रात बीत जाएगी, कल का भोर हमारा होगा, सोम सुनाए कथा प्रेम की, सोम सुनाए कथा प्रेम की, घर घर अलख जगाना बन दे, जाना हमने सबर प्यार का कोई भेद न जाना बन दे, कोई भेद न जाना बन दे। देखो यहां पर सोम ठाकुर जी हमें बताते हैं कि हम सब राही एक राह के कोई नहीं बिराना, हम सब एक ही पद के राही हैं, हम सबका पद एक ही है। कौन सा हमारा पद है? पढ़ना, खेलना, कूदना, इस भारत देश का विकास करना, खुद का विकास करना, हमारे परिवार का विकास करना, इस राह के हम राही हैं, हम सबकी राह एक ही है, हम एक ही राह पर चल रहे हैं, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन संत ठाकुर जी हमें यहां पर ऐसा बता रहे हैं कि हमें इस राह पर चलते समय हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, हमारे लिए कोई भी पराया नहीं होना चाहिए, दीराना, दीराना यानी क्या? पराया, दीराना, दीराना यानी पराया। संत ठाकुर जी हमें यहां पर बताना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, हम सब एक हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हां हम भारतीय हैं, अगर हमारा खून निकाला तो हम सब का खून कैसा है? लाल है, हम सब एक हैं, हम इस भारत देश के नागरिक हैं,
प्रदेश की मिट्टी में हम खेलते हैं, तो हम सबके मन में कौन सी भावना होनी चाहिए? प्रेम की भावना होनी चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए। आजकल लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना इतनी नहीं दिखाई देती, ज्यादा नहीं दिखाई देती। नहीं, मुझे सिर्फ मेरा जो परिवार है उतना मेरे लिए काफी है, दूसरों के परिवार की आज के लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते। लेकिन दोस्तों सही बात यह है, जैसे कि हमें सौ ठाकुर जी बता रहे हैं कि हम सब एक ही राह के रागी हैं, एक ही पथ पर चलने वाले हैं, इसलिए हम सब रागी एक राह के, को हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, कोई नहीं भी रहा। जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बंदे बंदे। सौ ठाकुर जी बता रहे हैं कि हम तो सिर्फ प्यार का शब्द जानते हैं, मैं तो सिर्फ प्यार का शब्द जानता हूं। जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बंदे। मैं भेद को बिल्कुल नहीं जानता, भेद क्या है वो मैं बिल्कुल नहीं जानता, उसे मैं समझता ही नहीं क्या भेद है। मैं तो सिर्फ प्यार का शब्द जानता हूं, मैं तो सिर्फ एक दूसरे के साथ प्यार से बोलना चाहता हूं, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता, मैं किसी को मेरे पराया नहीं समझता। सौ ठाकुर जी हमें यहां पर बता रहे हैं कि हम सब आई एक राह के, कोई नहीं मिलाना, जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बने। मैं किसी से भेद भी नहीं करता। एक हमारी धरती प्यारी, एक हमारा आसमान है, हम एक ही धरती पर पल रहे हैं। इस धरती पर उगा हुआ अनाज हम खाते हैं, हम इस धरती पर खेलते हैं। ये धरती तो है क्या कि नहीं, मैं सिर्फ इतने से ही लोगों की हूं, मैं सिर्फ उतने ही लोगों की हूं, ये धरती बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम बोलते हैं ये धरती मेरी है, ये जगह मेरी है। हम भेदभाव रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ भेद रखते हैं, एक दूसरे को हम पराया समझते हैं। लेकिन सौ ठाकुर जी हमें यहां पर बता रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण सामने रखते हुए एक दूसरे के प्रति प्यार रखना चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए। सौ ठाकुर जी हमें ये बता रहे हैं, हम सब आई एक राह के, कोई नहीं बिराना, जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बंदे। एक हमारी धरती प्यारे, एक हमारा आसमान है, हमारा आसमान भी एक ही है। जितने भी जीव इस धरती पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, वे सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, वे सब एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। वो आसमान और ये पृथ्वी हमें कभी बोलते हैं क्या कि नहीं, हम सिर्फ उनके ही हैं, सिर्फ उन लोगों के हम हैं, ऐसे कभी हमें बोलते हैं? वे हमसे भेदभाव रखते हैं, वे हमें पराया समझते हैं? नहीं, तो हम क्यों समझे? हमें भी नहीं समझना चाहिए। हम सबका पथ एक ही है, हम एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, हम एक ही रास्ते से गुजरते हुए हमारा उदर निर्वाह हम पूरा कर रहे हैं, हमारा पेट भर रहे हैं, तो ये भेदभाव क्यों हमारे अंदर? सौ ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं रखता, क्योंकि मैं एक ही आसमान के नीचे रहता हूं और एक ही पृथ्वी पर रहता हूं, इसलिए मैं सबके लिए समान हूं। मेरे लिए कोई भी अपना और कोई भी पराया ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सभी लोग समान हैं। मैं सबके सबके साथ प्यार से बोलता हूं। एक हमारी धरती प्यारी, एक हमारा आसमान है, अपने तन का रतन पसीना, अपनी मेहनत का जवान है। सिर्फ मेहनत करते रहो, अपने तन, तन यानी क्या? शरीर, तन यानी शरीर। सबर, जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बने। सबर, सबर यानी क्या? शब्द। सबर यानी शब्द। जाना हमने सबर प्यार का, कोई भेद न जाना बने। एक हमारी धरती प्यारी, एक हमारा आसमान है, अपने तन का रतन पसीना, अपनी मेहनत का जवान। तन, तन यानी शरीर। हम जब कष्ट करते हैं और कष्ट करते समय हमारे शरीर पर जो पसीना आता
हमेशा ही हमारे हमारे लिए क्या है, रत्न है, बहुमूल्य रत्न है। वो पसीना ही हमारे लिए बहुमूल्य रत्न के समान है। अपने तन का रत्न पसीना अपनी मेहनत का जहान है। जब हम मेहनत करते हैं खेतों में, जब किसान काम करते हैं, हम भी चाहे कौन सा भी कठिन कार्य करते हैं तब हमें पसीना आता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सोम ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि ये जो हमारे कष्ट करते समय हमारे शरीर पर जो पसीना आता है, वो पसीना ही हमारा हमारे लिए क्या है, एक बहुमूल्य रत्न के समान है। अपने तन का रत्न पसीना अपनी मेहनत का जहान है। अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बनते सोमठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि हर एक आदमी का यह जो शरीर है, यह शरीर यह सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि यह क्या है, एक मंदिर है। यह क्या है, मंदिर है। और मंदिर में, इस मंदिर में बसा हुआ जो हमारा आत्मा है वह हमारा क्या है, ईश्वर है। यहां पर सोमठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि हमें हमारे शरीर के अंदर किसे बसाना है, हर एक इंसान को बसाना है। किसको बसाना है, इंसान को। क्योंकि हर एक इंसान भी ईश्वर है, हर एक इंसान भी ईश्वर पाया जाता है। आजकल हम देखते हैं लोग यहां वहां ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे तीर्थ स्थलों की ओर जाते हैं और वहां पर ईश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन सोमठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि वहां पर जाने की घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर, हर एक आदमी के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। तो हमें ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। हमने अगर सिर्फ एक दूसरे को प्रणाम भी किया तो वह ईश्वर को मिलता है जो अंदर बसा हुआ है। अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बने, जाना हमने सबद प्यार का, कोई भेद न जाना बने। हर एक को ईश्वर समझो। आपके सामने जो भी आदमी आएगा उसे ईश्वर समझते हुए उससे प्रणाम करो, उसके साथ प्यार से बोलो, वो ही आपके लिए ईश्वर है। ईश्वर को ढूंढने के लिए यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पंढरपुर जाते हैं, कुछ लोग शिरडी जाते हैं और अन्य स्थलों की ओर जाते हैं ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए। वहां जाकर उन देवताओं के नामों का उच्चारण करते हैं, शिरडी में जाकर शिरडी वाले बाबा के गुणगान गाते हैं, शिरडी वाले बाबा बाबा, शिरडी वाले बाबा तुम्हें लाखों सलाम। इसकी आवश्यकता नहीं है। पंढरपुर में जाते हैं, वहां पर विठ्ठल नाम का भजन करते हैं लोग। सोमठाकुर जी हमें बता रहे हैं इन सब बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को प्रणाम करो, एक दूसरे के अंदर ईश्वर को खोजो, वहां पर ईश्वर बसा हुआ है, हरे आत्मा में ईश्वर बसा हुआ है। अगर आपको आपके मंदिर को ईश्वर को बसाना है तो इंसान को बसाओ, इंसान को बिठाओ उधर, क्योंकि उनके अंदर भी क्या है, ईश्वर है। हरे के अंदर ईश्वर है, हरे आत्मा यानी ईश्वर है। अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बंदे, अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी वाणी दिल की वाणी, हमारी जो नजर है, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, वो सब की ओर समान होना चाहिए। ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है, इस प्रकार की दोस्तों हमें नजर नहीं होनी चाहिए। अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी वाणी दिल की वाणी, हम सबको यह तय करना चाहिए कि मैं जिसे भी देखूंगा वो समान दृष्टि से देखूंगा, मेरी आंखें जिस पर भी पड़ेगी वो सब मुझे समान ही दिखाई देंगे। ना ही कोई गरीब दिखेगा, ना ही कोई अमीर दिखेगा, ना ही कुछ कम जाति का दिखेगा, ना ही कुछ, ना ही कोई ऊंचे जाति का दिखेगा, बल्कि मेरे लिए सब कैसे हैं, समान हैं। अपनी नजरें सबकी नजरें, मतलब सामने वाले को मैं जिस नजर से देखूंगा वो भी मुझे उसी प्रकार की नजर से देखेगा। अगर मैंने सामने वाले को ईश्वर के समान समझकर उसके हिसाब से मैंने उसके साथ बर्ताव किया, व्यवहार किया, बोलचाल किया, तो वो भी मेरे साथ वैसा ही करेगा।
अगर मैंने उसकी ओर गुस्से से देखा तो वो भी मुझे गुस्से से ही देखेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले हमें अपनी नजर अच्छी रखनी है। अगर हमारी नजर अच्छी है तो सामने वाले की नजर भी हम पर अच्छी ही पड़ेगी। अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी बानी दिल की बानी, दिल की बानी, बानी यानी बोली, बानी यानी बोली। हमें सबके साथ अच्छे दिल से बोलना है, प्यार से बोलना है। अगर हम प्यार से नहीं बोले, अगर हम किसी के साथ गुस्से से बोले तो क्या सामने वाला हमारे साथ प्यार से बोलेगा? समझो कि मैंने आपके साथ गुस्से से बोला है, है क्या कर रहा है हा? तो क्या आप मुझसे प्यार से बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। या बसंतापुर जाने यही बता रहे हैं कि हम जिस प्रकार की दृष्टि, जिस प्रकार की नजर सामने वाले के ऊपर डालते हैं, उसी प्रकार सामने वाला भी हमें उसी दृष्टि से ही देखता है, उसी प्रकार ही देखता है। अगर हम प्यार की नजर उस पर डाली तो भी हमें प्यार की नजर से देखेगा। अगर हमें गुस्से से देखा तो भी हमें गुस्से से देखेगा। अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी बानी दिल की बानी, हम दुनिया के दर्द दीवाने, अपनी इतनी राम कहानी। या सोम ठाकुर जी बता रहे हैं कि अगर हमने खराब नजर से दूसरों को देखा तो वो भी हमें खराब नजर से ही देखेंगे। अगर हमने सबके साथ अच्छी बोली में बोलचाल किया तो भी हमारे साथ अच्छी ही बोली में बोलेंगे। हमें इस पूरी दुनिया को हमेशा प्यार देना है, उनका दर्द क्या है वो समझना है। हम दुनिया के दर्द निवारे, दुनिया का दर्द क्या है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमें समझना है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय ढूंढने हैं। हम दुनिया के दर्द निवारे अपनी इतने राम कहानी बड़े भाव की दो बहरी में ताना प्रेम के ताना बदले। आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बैर भाव रखते हैं आज के लोग। बैर भाव से ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। यहां पर सोमा को जी बोल रहे हैं कि ये जो बैर भाव की जो दो बहरी है, दो बहरी क्यों कहा है, इस बैर भाव को दो बहरी क्यों कहा है? क्योंकि दोपहर के समय जब हम धूप में खड़े रहते हैं तब हम तपते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने आया तो भी हम क्या हो जाता है, हमारे अंदर गर्माहट महसूस होने लगती है, गर्मी का भाव आ जाता है। दोस्तों हम गर्म हो जाते हैं, हम तपते हैं उन्हें देखकर। सोम ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना। इस वैभाव की दोपहरी में ताना प्रेम भी ताना बनने। यहां पर हमें क्या करना चाहिए कि इस वैभाव की दोपहरी में जो लोग तप रहे हैं उनके ऊपर हमें प्रेम रूपी चादर से उनको छाव देनी है, उनको शांत करना है। प्यार का शब्द क्या है, प्रेम भाव क्या है, उनको समझाना है, उनको उस तपन से दूर करना है, वैर भाव की दुश्मनी से दूर करना है। वैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम भी ताना बदले, अपना कौल करार यही है, अपना कौल करार यही है। कौल करार यानी प्रतिज्ञा करना, कौल करार यानी
गर्म भाव की दोपहर में लोग तप रहे हैं, उन्हें गर्माहट महसूस हो रही है। तो यहां पर सौम ठाकुर जी हमें बता रहा है कि इस दोपहर से बचने के लिए, इस तपन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके ऊपर प्रेम रूपी चादर डालनी चाहिए जिससे वो शांत हो जाए। वह भाव की दोपहर में ताना प्रेम बिताना बंद है, अपना कवल करा यही है, हर सपना रत नारा होगा। अगर ऐसा हुआ, अगर सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से बोलने लगे, अगर वह भाव समाप्त हुआ, एक दूसरे को समझने लगे, तो क्या होगा, हमारा जो सपना है, हमारे भारत देश का जो सपना है, हर एक नागरिक का जो सपना है, वह रत्नारा होगा। रत्नारा होगा यानी रत्नारा यानी चमकीला होगा। क्या होगा? चमकीला। अगर ऐसा हुआ, सब लोग भय भाव भूल गए, दुश्मन का भाव भूल गए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे, तब क्या हो जाएगा, उस बस्ती का विकास होगा, वो बस्ती चमकेगी, उस बस्ती वालों का सपना रत्नारा होगा, मतलब उनका सपना चमकेगा, उसके उनके गांव का विकास हो जाएगा और आजू बाजू के लोग उन्हें देखकर ऐसा बोलेंगे, वाह क्या काम किया है इन गांव वालों ने। या तो समाज जो हमें यही बता रहे हैं कि भैरव भाव की दोपहर में ताना प्रेम में ताना बदले, अपना कवल करा रहे यही है, हर सपना रत्नारा होगा, काली रात बीत जाएगी, कल का भोर हमारा होगा। काली रात, काली रात कहां है, काली रात किसे कहा है, दुश्मनी को काली रात कहा है, जो हरे के मन में जो वैर भाव है, इस वैर भाव को काली रात कहा है, यह काली रात क्या हो जाएगी, चली जाएगी और कल का भोर, भोर यानी सुबह, भोर यानी सुबह, ये जो सुबह है, ये कल की सुबह ऐसी होगी, अच्छी होगी। भोर, भोर यानी एक हमारी धरती प्यारे, एक हमारा आसमान है,
अपने तन का रक्त पसीना अपनी मेहनत का जहान है, अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बंदे, जाना हमने सबद प्यार का कोई भेद न जाना बंदे, अपनी नजरे सबकी नजरे, अपनी वाणी दिल की वाणी, हम दुनिया के दर्द दीवाने, अपनी इतने राम का आनी, बैर भाव की दो परी में ताना प्रेम बिताना बंदे, अपना कौल करा यही है, हर सपना रतनारा होगा, काली रात बीत जाएगी, कल का भोर हमारा होगा, सोम सुनाए कथा प्रेम की, घर घर अलग जगाना बंदे, जाना हमने सबद प्यार का कोई भेद न जाना बंदे, कोई भेद न जाना बंदे। यहाँ पर आज का जो हमारा पद्य है, हम सब का ही एक राह के यह पद्य समाप्त होगा।